हेलो दोस्तों, आज फिर एक नए प्लान के साथ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कैरी कैचर प्लांट और इसे ही हम ग्रेप्टोफिलम पिक्टम भी कहते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर करिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये प्लांट, कितना सुंदर ये प्लांट लगता है। काफ़ी खूबसूरत ये प्लांट है, इसकी पत्तियाँ बहुत ही सुंदर है और इसमें जो फ्लावर आते हैं वो भी डिफरेंट ही होते हैं। यहाँ पर इसकी पत्तियों का कलर बिल्कुल, जब नई पत्तियाँ निकलती है तो पिंक रहता है इसका बीच का कलर और साइड से ग्रीन, और जब वो थोड़े दिनों के बाद में वो बीच का कलर पिंक से बिल्कुल वाइट में चेंज हो जाता है, तो ये भी बहुत ही सुंदर लगता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये प्लांट को आप कटिंग से भी आप आसानी से इसे ग्रो कर सकते हैं। कटिंग ला करके लगाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से ये ग्रो हो जाएगा। आपको जो सॉइल लेनी है, सॉइल आप बिल्कुल ऐसी तैयार कीजिए जो ज़्यादा पानी इसमें ना रोके और बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए आपकी सॉइल भी। और सॉइल आप नॉर्मल जो हमारा गार्डन सॉइल होता है वो लेकर के उसमें सैंड या फिर सैंड और कंपोस्ट वगैरह आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। फिर इसमें आप प्लांटर जो लेते हैं, प्लांटर को आपको कैसा लेना है, प्लांटर की साइज़ भी आप कम से कम 12 इंच का जो प्लांटर लेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसको आपको दोस्तों रखना कहाँ है, आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे थोड़ी धूप आती हो, बिल्कुल ऐसे शेड एरिया में रखेंगे, सेमी शेड एरिया हम कहेंगे उसमें आपको रखना है, जहाँ पे बाहर की रोशनी आपको बिल्कुल मिलती रहे इस प्लांट को, और ये आपकी जो प्लांट की जो मिट्टी होगी वो बिल्कुल ही आपकी मॉइस्ट होनी चाहिए। आप बिल्कुल एकदम प्लांट गिली मिट्टी रहेगी, अगर आपके प्लांटर बिल्कुल वेल ड्रेन नहीं है तो मिट्टी अगर एकदम ज़्यादा गीली रहती है, सूख नहीं पा रही है, तो आप उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका प्लांट पूरा ख़राब हो जाएगा, पूरी प्लांट की पत्तियाँ झड़ जाएगी। इसलिए हम इस प्लांट को इंडोर नहीं रख सकते हैं। इंडोर रखते हैं तो बिल्कुल पानी का आपको ध्यान रखना है और ऐसी जगह रखें जहाँ बाहर से रोशनी पड़ती हो। इस तो दोस्तों, अब इससे आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा कि इसमें हमको पानी कैसे देना है। पानी तभी दे जब इसकी मिट्टी सूख जाए और नमी बिल्कुल बरकरार होनी चाहिए। ऊपर से आप देख लीजिए, जब आपकी मिट्टी ऊपर टॉप की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई लगती तभी पानी डालिए। दोस्तों देखिए इसके फ्लावर, कितने सुंदर इसके फ्लावर्स हैं, अलग ही इसके फ्लावर हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई फिश जैसा इसका फ्लावर निकलता है। और इसमें आप ये जो फ्लावर निकलता है वो अभी जो इसका सीजन है, रेनी सीजन में ही ये फ्लावर आते हैं, इसके बाद इसमें फ्लावर्स नहीं देखने मिलेंगे। बिल्कुल ऐसी कलियाँ इतनी बंचेस में इसमें निकलती है और फ्लावर आपका रहता ही है पूरा रेनी सीजन में, फ्लावर अच्छी तरीके से रहेंगे ये। तो इसका टाइम ही अभी रेनी सीजन का है तो आप इसकी प्रूनिंग भी बराबर करते रहिए, और प्रूनिंग के साथ अभी जो आपको अगर डीप प्रूनिंग करनी है तो वो आप अभी करिए। मई और जून का टाइम इसके लिए बेस्ट होता है, वो आप करेंगे तो अभी आपका बरसात का टाइम इसमें बहुत अच्छा ये प्लांट ग्रो करता है, बहुत अच्छे से आपका प्लांट चलता है। अब इसमें हम कंपोस्ट कब देंगे, कंपोस्ट आप इसमें साल में 2 बार भी देते हैं तो बहुत अच्छे से आपका प्लांट ग्रो करेगा। इसको आप बराबर आप 2 बार आप या तो वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, गोबर खाद आपको जो यूज़ करना है वो आप करिए, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा भी आप करते हैं तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। तो दोस्तों, आपको मेरा आज का ये प्लांट और मेरा वीडियो कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स पर आप मुझे ये ज़रूर बताइए। ये प्लांट इरेंथमम की जो वैरायटी होती है उससे ही थोड़ा कुछ मिलता हुआ प्लांट है, इसलिए लोग इसे इरेंथमम भी कह देते हैं, पर ये प्लांट उससे अलग है। इसके फ्लावर्स भी अलग होते हैं और इरेंथमम के फ्लावर भी बहुत अलग होते हैं। ये तो इसकी प्रूनिंग अभी कर दी थी, अच्छे से कटिंग कर दी थी, तो ये प्लांट अभी इतना अच्छा बना हुआ है। तो आप भी लगाइए और यही करते रहिए। ऊपर से आप अगर इसकी प्रूनिंग कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी आप करते रहते हैं, तो आपका प्लांट अच्छा घना हो जाएगा। कम से कम 1-1.5 फुट का तो इसकी हाइट होती ही है इस प्लांट की, और काफ़ी अच्छा ये प्लांट लगता है। तो दोस्तों, आप भी ये प्लांट लगाइए और ज़रूर मेरे साथ शेयर करिए।